सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। तुम्हारा दुश्मन कौन है? अब्दुल हमीद। कौन है वो जिसने तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना दी? अब्दुल हमीद। आपको मालूम है वो अगवा किए गए हैं? ये जुर्रत किसने की? हमने। जहर दिए जाने का शुबा है मुझे। क्या मतलब है आपका? हम सहाफी रिहा करेंगे और बदले में सफारतखाने में छुपे पारवुस तक पहुंचेंगे। कमालुद्दीन अफंदी को उनके फराइज से और पाशा के मनसब से बरतरफ कर दिया है। चोरी शुदा सामान उनके मालिकान तक पहुंचाना चाहता हूं मैं। तुम्हें बरतानवी सफारतखाने ले जाएंगे। वहां पारवुस नामी एक शख्स छुपा हुआ है। ये तस्वीर उसी की है। इस आदमी को हमारे पास ले आओ। बाजार की पिछली गली में एक घर है, उसमें एक बेवा रहती है। मैंने देखा कि दरवाजा खुला, पाशा अंदर गए और दरवाजा बंद हो गया। तमाम साफियों को बरतानिया जाना होगा। अब्दुल हमीद ने उन्हें जिला वतन कर दिया। आइंदा कभी भी मुझसे या मेरे सिपाहियों से बदतमीजी मत करना। तुम लोग जाओ। आंखें खोलिए हमारे शहजादे। उस शख्स के लिए जिसका हमें इंतजार है, फांसी का फंदा तैयार करें। अल्लाह अल्लाह, कहाँ है सब लोग? ये सामान बाहर क्यों पड़ा है? सनिहा, सबातीन, बावर्ची, क्या कहीं बाहर जाने की तैयारी है? देखते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये तो किसी भी चाबी से नहीं खुल रहा। चाबियां बदल गई हैं क्या? सनिहा, दरवाजा खोले। सनिहा, अरे सनिहा, कहाँ चली गई थी आप? वल्लाही बिल्लाही, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूँ। यानी चाबियां तक नहीं लग रही थी, और फिर ये सारा सामान भी बाहर पड़ा हुआ है। वल्लाही बिल्लाही, मैं बहुत डर गया था। अंदर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, अंदर नहीं आ सकते आप महमूद। ये क्या कह रही हैं आप? आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं आपका शौहर नामदार महमूद पाशा। रुकिए, बिल्कुल ठीक कहा, हम आपको पहचान नहीं सके थे महमूद। इतने सालों से धोखा दे रहे थे आप हमें। किसने बताया आपको? देखिए, एतराफ करने में बेहतरी है। क्यों एतराफ कर लूं मैं सनिहा? जिस बात का वजूद ही नहीं उसका एतराफ कैसे कर लूं मैं? कोई गलत फहमी हुई है? ये बताएं, ये सब बातें किसने बताई आपको? सब ये बातें कर रहे हैं, सिर्फ हम ही इस बात से नावाकिफ थे। कौन है जो मुझ पर बहुतान लगा रहा है? मुझे भी तो बताइए, ये बात किसने कही है सनिहा? बताते हैं। हुसैन पाशा का एक जासूस आपका ताकुब कर रहा था। आप एक खातून के घर पर जाते हैं महमूद। बिदार खातून ने भी हमसे कहा, कहा कि हरम में दखल अंदाजी मत कीजिए, पहले जाकर अपने शौहर पर नजर रखिए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हुसैन पाशा का हाथ है इस सारे मामले के पीछे। मैं आपके अलावा किसी से मोहब्बत कर सकता हूँ क्या? अगर कोई मुझसे मोहब्बत करे और मेरा ताकुब भी करे तो यकीन करें आप, उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता तक नहीं हूँ तो मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरी मोहब्बत तो आप हैं। हमने उनका यकीन नहीं किया था लेकिन पूरी बात सुनिए, हमने भी आपका ताकुब करवाया था और जब मुहाफिज ने भी यही बात कही तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। तो आपने मेरे पीछे मुहाफिज भेजा था? बिल्कुल, अलहदगी अख्तियार करने से पहले हम तस्दीक करना चाहते थे। सिनेहा क्या हो गया है आपको, कैसी बातें कर रही हैं? दुरुस्त है, एक औरत से मिला था मैं, लेकिन वो औरत मेरी साबिका जौजा थी, हनीफ है, उसके बारे में आप जानती हैं। अल्लाह के वास्ते सिनेहा ऐसी बातें तो न करे। पिछले कुछ दिनों से वो पाए तख्त आई हुई है, वो बेचारी बहुत परेशानी में मुब्तला है, उसने मुझसे मदद मांगी थी। खामोश हो जाए, हमें कुछ नहीं सुनना। मैंने तो सिर्फ मदद की। हम आपसे कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं सुनना, इस बारे में हम आपसे बात नहीं करना चाहते। सनिहा मेरी वजाहत तो सुनिए। महमूद हमें कुछ नहीं सुनना। आपको सुननी पड़ेगी मेरी बात। सनिहा आपने मेरा सामान बाहर क्यों फेंक दिया? आपको रहने के लिए कोई ना कोई जगह जरूर मिल जाएगी, और हाँ अगर कोई जगह ना मिले तो चले जाइएगा अपनी साबिका जौजा के पास। मेरी बात तो सुन ले सनिहा, पहले मेरी सनिहा अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुन ले, ऐसा ना करिए आप। कमालुद्दीन के बारे में सोच रही हैं? हाँ बिल्कुल, हैरान हैं हम, उन्होंने ऐसा क्या किया कि ओहदे से बर्खास्त कर दिए गए। आप कैसे भूल सकती हैं सब कुछ? आपने कहा था कि आप उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, तो फिर ये सब क्या है? इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता फहीमे, बस हमेशा यही चाहता है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। हमें लगता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है, जब तक मालूम नहीं हो जाता हम सुकून से नहीं बैठ सकते। मालूम करना होगा कि कमालुद्दीन पाशा को आखिर ओहदे से क्यों हटाया गया। वासफी साहब तफसील नहीं जानते तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे? नाइम से पूछेंगे हम वापस महल जाएंगे। अब्दुल कादर कैसे हैं? होश में आए? बदकिस्मती से कोई तब्दीली नहीं आई। वो ठीक हो जाएंगे वालिदा, फिक्र मत करें। इंशाल्लाह। कमालुद्दीन के लिए बनाया है? जी वालिदा, उनके आने पर ये देंगे हम। बाबा ने क्या आपको कमालुद्दीन के बारे में कुछ बताया वालिदा? नहीं नाइमे दुख्तर, कुछ नहीं बताया, लेकिन वो हमेशा अपने फराइज पूरी मेहनत से बखूबी निभाते हैं, हमें उन पर पूरा यकीन है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन। हमने तो सुना था कि आप जेल में हैं, फिर इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? ऐसी कोई जेल नहीं जो पेड्रो को रोक सके, रिश्वत ने काम आसान कर दिया। सुबह सवेरे अलग किया हुआ सामान लेकर जाऊंगा मैं, गोदाम में जगह नहीं है, जगह बनानी होगी। अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा मैं। हम आपको सुबह सवेरे यहां तैयार मिलेंगे, इत्मीनान रखें आप। घटिया इंसान, इन्होंने चोरी के सामान से सारा गोदाम ही भर लिया है और गरीब वहां भूख से मर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो आज हम ये सारा सामान यहां से ले जाएंगे। तैयार हो जाओ, वो लोग जा रहे हैं। वक्त आ गया है सिपाहियों। आज हवा में खुनकी बहुत ज्यादा है। यह उस तूफान के सामने कुछ भी नहीं जो कल आने वाला है। कल कौन सा तूफान आने वाला है? आप क्या कह रहे हैं मेरे सुल्तान? इंशाल्लाह हमारी मिल्लत के लिए बहुत अच्छा काम होगा मलिका। इंशाल्लाह।
उम्मीद है कि रियासत की मुश्किलात में जल्द ही कमी आ जाएगी। अब्दुल कादिर कैसे हैं? बदकिस्मती से मौलज तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब्दुल कादिर का बुखार कम नहीं कर पा रहे। ठीक हो जाएंगे। अब्दुल कादिर एक मजबूत इंसान है। इंशाल्लाह वो आपके फर्जंद हैं, जरूर ठीक हो जाएंगे। बस उनमें आप जैसी खूबियों की कमी है। उन्होंने अब तक क्या किया और वो क्या कर सकते हैं उसके हम भी जिम्मेदार हैं। बाज़ औक़ात अब्दुल कादिर को गलत फहमी की वजह से मुजरिम ठहराते रहे। हम एक अच्छे बाप साबित नहीं हो सके मलिका। अब्दुल कादिर का कहना है कि हम उनकी देखभाल नहीं कर सके। सच कहते हैं। उनकी सरकशी आपकी मोहब्बत की वजह से है। उन्हें रश्क है कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं। किन से? सैकड़ों हजारों दूसरे बच्चों से। अब्दुल कादिर के पास सिर्फ एक दो बहन भाई नहीं है, उन्हें आपका प्यार पूरी कौम के साथ बटा हुआ नजर आता है। इसी वजह से वो नाराज से रहते हैं। हम एक बहुत बड़ी रियासत संभाल रहे हैं लेकिन अहले खाना को नहीं संभाल सके। कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, आपने कभी भी एक लम्हे के लिए हमें अकेला नहीं छोड़ा। जैसे अब्दुल कादिर को महल पतर करने के बावजूद तन्हा नहीं छोड़ा, बिल्कुल उसी तरह आपने हमें भी कभी अपनी तवज्जो से महरूम नहीं रखा। आपकी सच्ची मोहब्बत ही हमारे लिए सुकून का बाइस है। तुम बरतानवी सिफारत खाने जाओगे, वहां पारवुस नामी एक शख्स होगा, उसे हमारे पास लाना है तुम्हें। क्या कर रहे हो यहां तुम? पना के लिए दरखास्त लेकर आया हूं मैं। वो तुम मुझे दे दो। जी। आप मुसाफिर खाने में जा सकते हैं, कल तक आपकी पना का इंतजाम कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आ जाए। तैयारी हो गई? हुक्म के मुताबिक फांसी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। उसने जो कुछ हमारे साथ किया है उसकी कीमत चुकाना होगी उसे। क्या वो नौजवान उसे संभाल सकेगा मेरे सुल्तान? उसकी तरबियत अहमद जावेद पाशा ने की है। अहमद जावेद पाशा एक आलिम थे, जो काम दूसरे न कर सके उन्होंने कर दिखाए। कैसे मेरे सुल्तान? बलकान वाले परेशानी का शिकार थे, नौजवान फौज में भर्ती नहीं होना चाहते थे। हमने अस्करी पाशा हजरात को भी भेजा लेकिन वो ये मसला हल नहीं कर पाए। कोई भी नौजवानों को फौज में भर्ती होने पर राजी नहीं कर सका। उन्होंने मसला कैसे हल किया मेरे सुल्तान? आपको हैरत होगी पाशा, सुनकर हम भी शशदर रह गए थे। मुझे तजस्सुस है मेरे सुल्तान। हमने अहमद पाशा को बतौर गवर्नर बलकान में तैनात किया फौज में भर्ती ना होना। इसके अलावा भी और भी बहुत से मसाइल थे उनके साथ। वहां के नौजवानों का अकीदा कमजोर होता जा रहा था। एक और मसला था पाशा, एक बहुत बड़ा मसला। वो क्या मेरे सुल्तान? नौजवानों की शादियां नहीं हो रही थी। क्या वहां शादी के लिए लड़कियां मौजूद नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं था। लड़कियां तो शादी की ख्वाहिशमंद थी लेकिन शादी के अखराजात बहुत ज्यादा थे। सालों तक बचत के बावजूद भी वो मतलूबा रकम जमा नहीं कर पाते थे, इसलिए नौजवान शादी से खौफजदा थे।
मेरे सुल्तान, जावेद पाशा ने इस मामले को हल करने के लिए ऐसा क्या किया? यहाँ जावेद पाशा ने जो बात सोची आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। उन्होंने लड़कियों से इत्तेफाक करके एकामास सादिर कर दिए और शादियों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह नौजवान जबरदस्ती की शादियों के खौफ से आजाद हो गए। लेकिन वो लड़कियों के लिए भी कुछ चाहते थे। कहा कि अगर वो शादी करना चाहती हैं, तो उन्हें चश्मे के सामने रिवायती तुर्क गीत गाना पड़ेगा। रिवायती तुर्क गीत? उसमें सिपाहियों का जिक्र है पाशा, उस्मानी फौजियों की सब्ज वर्दी का जिक्र है। जब लड़कियों ने सब्ज फौजी वर्दी के बारे में गीत गाया तो नौजवानों ने सोचा कि फौज में जाना अहम है। लड़कियां फौजियों पर एतमाद करती हैं और इस तरह तमाम नौजवान फौज में भर्ती होने लगे। इस तरह अहमद जावेद पाशा ने फौज में भर्ती होने का मसला भी हल कर दिया और साथ ही इज्तिवाजी मसला भी। वाह मेरे सुल्तान, इल्मे सियासत भी क्या है। अहमद जावेद पाशा से हमने भी बहुत सीखा पाशा। उन्होंने तरबियत की नौजवानों की। इदरीस के उस्ताद एक बासलाहियत इंसान थे। हमें पूरा यकीन है कि वो पारवुस को ले आएगा। चले जाओ, यहां कोई नहीं आ सकता। हमें जाना है, उठो फौरन। कहां ले जाना चाहते हो मुझे? सुल्ताने मौसम के पास। नीचे कर दो पिस्तौल, वरना गोली मार दूंगा मैं। इसे जाने के लिए कहो यहां से। पीछे हट जाओ व्लादिमीर, सुल्तान अब्दुल हमीद मुझसे मिलना चाहते हैं। अगर बादशाह के कहने पर अमल ना किया जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। पूरी दुनिया जानती है अलेक्जेंडर पारवुस अब्दुल हमीद का कैदी है। इंतजार करो व्लादिमीर, अब्दुल हमीद को अपने सबसे बड़े दुश्मन को गिरफ्तार करने पर अफसोस होगा। कोई भी होशियारी मत करना। दरवाजा खोलो। अंदर जाओ।
क्या हो रहा है? कहाँ गया वो आदमी? कहाँ गया? जख्मी कर दिया है इसे। एक दो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बुरा हाल हो गया। सुबह तक आज सोफे पर ही सोना पड़ा, पूरे जिस्म में दर्द हो गया। आह हुसैन पाशा, आह मेरा ताकुब करवाने का ख्याल कहाँ से आ गया? एक दो एक दो एक दो एक दो। बारूद की फराहमी से मुतालिक फहरिस्त लेकर आया हूँ, लेकिन लगता है आप तैयार नहीं हैं। तैयार हूँ मैं। लगता है रात भर सो नहीं पाया। नींद नहीं आई मुझे हुसैन पाशा। सुबह तक उन लोगों पर लानत भेजता रहा जिन्होंने मुझ पर बहतान लगाया। इतना जानना आपके लिए काफी होगा। हो सकता है जो लानत आप दूसरों पर भेज रहे हैं पलटकर आपकी तरफ ही लौट आए। क्यों लौटाएगी मुझ पर? आपके झूठ की वजह से मेरे घर का सुकून बर्बाद हो गया। मेरा ताकुब करने वाले सिपाही से कहिएगा, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो वक्त जाया किए बगैर इस जहां से उसे दूसरे जहां में रवाना कर दूंगा। गलतियां तो आप करते हैं, फिर सजा हमें क्यों देंगे आप महमूद पाशा? लेकिन अब तक आप क्या करते रहे हैं ये हमारे सुल्तान भी जान लेंगे। पहले आपसे रिश्तेदारी खत्म करेंगे और उसके बाद आपको ओहदे से दस्तबरदार कर देंगे इंशाल्लाह। आप ये ख्वाब देखना छोड़ दें तो बेहतर होगा हुसैन पाशा। मुझे पाशा के मनसब से हटवाएगा डरपोक पाशा। अचानक छतरियां खोल दी गईं। हम कुछ ना कर सके, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसी दौरान पारवुस फरार हो गया। वो आदमी हमें ललकार रहा है। उसने बता दिया कि इस शहर में भी उसके लोग मौजूद हैं। उसने अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया है। सऊद दस्ता इसलिए अहम है मुराद अफंदी। इस जंग को जीतने के लिए सब कुछ काबू में करना होगा। आ जाएं। मेरे सुल्तान। कहिए पाशा। वो आया जिसकी तवक्को नहीं थी। आने दीजिए उसे। और हाजिर हो गया सुल्तान मौसम। मुझे इदरीस का अफसोस है। उसका नाम मुझे तब मालूम हुआ जब उसे चाकू लगा।
अगर आप मुझे यहां बुलाना चाहते थे तो इतने एहतमाम की क्या जरूरत थी? हार मान लीजिए सुल्तान अब्दुल हमीद खान, हम जो कहें वो करें और अपनी रियासत के सर पर आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप, तुम चाहते हो कि इस्तेसाल करो हमारा और हम तुम्हें यह करने की इजाजत दे दें। जिस तरह दूसरी रियासतों पर अपना हुक्म चलाते हो उसी तरह तुर्कों पर भी हुक्मरानी करना चाहते हो, गुलाम बनाना चाहते हो तुर्कों को अपना। पारवुस अफंदी, जब तक हम इस उस्मानी रियासत के सरबरा हैं, हमारी मिल्लत के हुकूक पर डाका नहीं डाल सकते तुम, ना हमारी तारीख को बदल सकोगे, ना हमारे वकार तक पहुंच सकोगे। किसी को दाग नहीं लगाने देंगे अपने मजहब पर हम। जब तक हम में से कोई एक फतायाब नहीं हो जाता, हम लड़ते रहेंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन क्या ये तुमसे बर्दाश्त हो पाएगा? हमसे कामिल फतह का वादा किया गया है, अगर आज नहीं तो एक सदी बाद सही या उसके भी बाद। हम इस बात पर ईमान रखते हैं और सब्र करते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। आ जाए। शहजादी, खैरियत है? मुझे उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी। नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमने ये सोचा है कि हमारा और हमारी बहन का यहां रुकना मुनासिब नहीं। ठीक कहा आपने, मैं नहीं चाहता कि ऐसी खतरनाक सूरत हाल में आप यहां पर रहें। इत्मीनान रखें, आपकी वापसी के लिए जरूरी तैयारियां जल्द करवाता हूं मैं। बहुत खूब। काफी खुश लग रहे हैं आप दोनों, जोज और शोहर की गुफ्तगु हो रही है। जबान संभालो अपनी, क्या कर रहे हो तुम यहां? मैं भी यही पूछने आया था कि आप यहां क्या कर रहे हैं। हां, कल रात हमारे गोदाम में चोरी हुई है, हमारा सामान ले गए। अपना फर्ज पूरा करें और चोरी करने वाले को पकड़ें। वो सामान आपका नहीं था, लोगों का था। जिसने भी चोरी किया बहुत अच्छा किया। हम ये सारा सामान इनके मालिकान को लौटा देंगे, लेकिन मोहतात रहना, मुहाफिजों को खबर ना हो पाए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम ये रात में तकसीम करेंगे। सबको तंबीह कर देना तुम, ठीक है, कि वो किसी को ना बताएं कि उनको अपना माल मिल चुका है, क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो ये लोग सारा सामान वापस ले जाएंगे। चलो हम चलते हैं, हमें और भी काम करने हैं। आ जाओ। अल्लाह सेहत याब करे फरजंद। नाकाम हो गया मैं, न जाने अचानक क्या हुआ था, हर तरफ अंधेरा छा गया, किसी ने मुझे जख्मी कर दिया। मौलिजीन के मुताबिक तुम बहुत जल्द सेहत याब हो जाओगे। ये सब कुछ उन बहुतानों की सजा है जो मैंने आप पर लगाए थे। मुझे माफ कर दीजिए सुल्तान मौसम। हमने माफ किया फरजंद, माफ किया तुम्हें। काश सब तुम्हारी तरह अपनी गलती तस्लीम कर लें, एहसास हो जाए उन्हें इस बात का, फिर हम इस दुनिया और आखिरत में अपना हक माफ कर देंगे। इस्माइल चचा, कहाँ रह गए थे आप लोग? आप तो कल आने वाले थे। उन्होंने आने नहीं दिया। क्या बात है बेटी? खाला, आपको याद है एक अजीब सी घास थी, आपने कहा था वो जहरीली है। हाँ, तुमने वो जमा की थी लेकिन मैंने फेंक दी थी। अगर कोई उसे खा ले तो क्या करना चाहिए?
अगर थोड़ी सी खाए तो सिर्फ बुखार होगा बेटी, लेकिन अगर ज्यादा खा ले तो जानलेवा हो सकती है। कोई बीमार है क्या? अब्दुल कादिर बीमार है। खाला, आपके पास उसकी दवा है ना, मेहरबानी करके वो मुझे दे दे। ये तुम खाने में क्या मिला रही हो बेटी? नहीं, बस थोड़ा सा पुदीना डाला है इसमें। तुम ही ने उसे बीमार किया है, ऐसा कैसे कर सकती हो? गलती से जो घास मैंने जमा की थी ये उससे हुआ होगा। मैं जानबूझकर अब्दुल कादिर को कैसे बीमार कर सकती हूँ? देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कर दे, मैं उनके बगैर मर जाऊंगी। चलो आओ मेरे साथ। हाँ, सबाहतीन, मेरे बेटे तुम आ गए। आओ मेरे बच्चे, मेरा शेर बेटा, आओ बैठो बैठो। क्या सनेहा ने तुम्हें भेजा है? उन्हें एहसास हो गया कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। सनेहा ने मुझे माफी मांगने के लिए बुलाया है ना बेटा? अब आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब सबाहतीन? क्या वो अब भी यही समझती है कि मैंने धोखा दिया है? क्या नहीं दिया? या अल्लाह बेटा, तुम्हारी वालिदा के अलावा मैंने कभी किसी खातून की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। सबाहतीन, क्या तुम नहीं जानते? जानता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मेरे बेटे, सारे फसाद की जड़ वो हुसैन पाशा ही है। मेरे बेटे, मुझ पर ये बहतान हुसैन पाशा की वजह से ही लगा है। वालिदा ने भी तहकीकात करवाई है बाबा, किसी औरत के घर में आप दाखिल होते देखे गए और आपने खुद भी कबूल किया कि वो आपकी साबिका सौजा है। बेटा, वो बहुत परेशानी में मुबतला है। किसी की मदद करना कोई बुरी बात है क्या? उसने मुझसे मदद मांगी तो क्या मैं इनकार कर देता? वालिदा बहुत गुस्से में है, तलाक ले लेंगी। आह सनेहा, आह सबाहतीन, आह वल्लाह मैं इस खिड़की से कूद कर जान दे दूंगा। सनेहा के बगैर मैं जिंदा कैसे रहूंगा, बताओ मुझे। बस तुम मुझे रोकना मत। रुक जाए बाबा, क्या कर रहे हैं? जिंदगी किस काम की सनेहा के बगैर, बताओ उन्हें जाकर। बता दूंगा। तो तबीयत अब भी बेहतर नहीं हुई? नहीं, मौलेजू ने हर तरीका आजमा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं। सारी रात जाग कर दुआएं की हैं। आप भी सारी रात सो नहीं सके और हम भी। क्या बात है, सब खैरियत तो है? कोई परेशानी है स्नेहा सुल्तान? हमने सुराग लगा लिया है बिदार खातून महमूद पाशा के बारे में। आपने दुरुस्त कहा था, हम जल्द उनसे अलहदगी अख्तियार कर लेंगे। हमें बहुत अफसोस है, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। अगर हम आपसे एक बात कहें तो उम्मीद है आप हमसे नाराज नहीं होंगी। महमूद को आप पसंद नहीं करती ये बात हम जानते हैं। बात यह है कि महमूद की बरतरफी के बाद आपके भाई हुसैन पाशा बड़ा ओहदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। स्नेहा सुल्तान, ना ही भाई ना हम किसी का घर बर्बाद होते देखकर कभी खुश नहीं हो सकते। हमें आपसे यही उम्मीद है। क्या आप हमारे सुल्तान को बताने जा रही हैं? भाई को बताने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। इस वक्त परेशानियां काफी ज्यादा हैं। दूसरी जानिब अब्दुल कादिर भी बीमार हैं। इन हालात में भाई को मजीद परेशान नहीं कर सकते हम। लेकिन जब हम उनसे अलहदगी अख्तियार करेंगे तो सभी को मालूम हो जाएगा इस बारे में। पारवुस पकड़ा गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सुल्तान मौज़म, यानी ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मात्र चाहता हूं मैंने बेसाख्ता तालियां बजा डाली। अब देखिए ना, ये पारवुस काफी अरसे से आपके लिए परेशानी का बायस बना हुआ था मेरे सुल्तान, आखिरकार वो दोबारा पकड़ा गया। बेसाख्ता खुलूस का इजहार इंसान की नियत को जाहिर किया करता है। इस मिल्लत को मुसलसल तकलीफ देने वाले
मुजरिम को सजा मिलना सबके लिए खुशी का बायस होना चाहिए। पारवुस के लोग शहर में मौजूद हैं। एहकामात को नजरअंदाज ना किया जाए, मुहाफिजीन को चौकन्ना कर दें, सबकी छुट्टियां भी मंसूख कर दी जाएं। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। क्या कोई इत्तला है सुल्ताने मौसम? पाशा, हम चारों तरफ से सांपों में घिरे हुए हैं, नहीं जानते कि कौन किस वक्त दस ले। पाशा, गलाता पुल पर मुहाफिजीन को तैनात करें, मसाजिद और सरकारी दफातर में भी। किसी भी मुमकिन हमले के पेश नजर फौज को तैयार रखें। कई रियासतें पारवुस की हिमायत में हैं, बजाहिर तो वो खामोश हैं, लेकिन ये सूरतेहाल कब तक रहेगी? पारवुस की वजह से वो हमें परेशान करते रहेंगे। जब हमारी रियासत उसे एक बार सजा दे देगी तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। आ जाएं। देर के लिए माजरत खाऊं, मैं हालात का मुशाहिदा कर रहा था। बरतानवी सफीर आपसे मिलना चाहते हैं। सूरत हाल क्या है? लंदन के दरसगाहों से हमारे तुलबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबब? वो कभी कोई वजह नहीं बताते। सबब वाज़े है, पारवुस। उन्होंने अपना पहला वार कर दिया है, अब हमारा वक्त है कि हम अपनी बंदूक तान लें। जो भी हमारी बंदूक के सामने आता है वो अपनी जान से जाता है। सुल्तान मौसम, एक मसला और भी है। सफीर इजलास बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं। कौन से सफीर? सब मेरे सुल्तान। सबको देख लेंगे। आ जाओ। अली जनाब, एक टेलीग्राम आया है। किसने भेजा? मलेका ने। पढ़ो। बर्तानिया और आयरलैंड की मलिका की तरफ से हिंदुस्तान की महारानी मलिका विक्टोरिया की इकलौती बेटी शहजादी विक्टोरिया के बेटे विलहेम के नाम। मलिका ने हमें बेटी की औलाद कहकर एक तरफ फेंक दिया। मलिका नवासा कहकर अपनी बात मनवाना चाहती है। आगे पढ़ो। बर्तानिया जब तारीख की अजीम तरीन जंग का हिस्सा बना तो ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ था। ना हमने और ना ही हमारी हुकूमत ने आपकी इस हरकत को फरामोश किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस्मानिया सल्तनत के हाथों गिरफ्तार होने वाले अलेक्जेंडर पारवुस की रिहाई के लिए अपने दोस्त अब्दुल हमीद से दरखास्त करें कि वो उसे फौरी तौर पर छोड़ दे। अगर आपने हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी तो हम आपकी पिछली गलतियाँ माफ कर देंगे। अलेक्जेंडर पारवुस को जब तक रिहा नहीं किया जाता हमारे ताल्लुकात मुअत्तल रहेंगे। जो बहरी फौज आप तश्कील देना चाहते हैं उसके लिए हम आपको हर जरूरी सहूलत फराहम करेंगे। गलत नहीं थे हम। मलिका अपने साथ हमें भी डुबो डालेंगी। अली जनाब, बर्तानिया क्या चाहता है? बर्तानिया वही कर रहा है जो करता आया है, मुनाफिकाना सियासत। बर्तानवी, फ्रांसीसी, रूसी, हस्पानवी और अमरीकी आपस में जंगें लड़ते रहे हैं और आज यहां सब एक साथ नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि ये साथ आलमी अमन का एक मुंह बोलता सबूत है। चूंकि पादरी आजम ने भी अपना नुमाइंदा भेजा है, इससे जाहिर होता है कि मामला संगीन है। बर्तानिया और फ्रांस कई साल तक जंग लड़ते रहे, रूस भी बर्तानिया के साथ लड़ता रहा, अमरीकियों की अब भी हस्पानियों के साथ झड़पें होती रहती हैं, लेकिन आज आप सब लोग मिलकर हमारे पास आए हैं। हम आपको अकेले आने का कहते हैं, लेकिन बात आपकी समझ में नहीं आती।
हम आपसे उस आदमी की गिरफ्तारी का पूछने आए हैं जो बेशुमार रियासतों के लिए अहम है। क्या हम जान सकते हैं कि वो शख्स आप सबके लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है? अलेक्जेंडर पारवुस रूस के लिए इंतहाई अहम शख्सियत है। वो हमारी रियासत के लिए एक अच्छे मईशत दान है। फ्रांसीसी इदारों के लिए उनके जहानत आमेज मशवरे बहुत कीमती हैं। हमारे लिए एक रियासती सफीर की हैसियत से आपका दीगर सफारत खानों की तरफ से आना हमने कबूल कर लिया, लेकिन आपको बात करने की इजाजत नहीं दे सकते हम। बरतानवी सफीर, हम जानते हैं कि पारवुस बरतानिया के लिए जासूसी करता है, इसीलिए वो तुम्हारे लिए आम है। लेकिन आप में से कोई उसे आलिम कहता है और किसी के लिए वो एक ताजिर है। पादरी आजम के नुमाइंदे शायद उस पारवुस को खुदा का नुमाइंदा भी कह दें, लेकिन हमारी नजर में उसकी सिर्फ एक ही हैसियत है कि वो एक बेरहम कातिल है। पारवुस आफंदी, आपकी नजर में क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे बादशाह, हमारी मलिका और हुकूमतें चाहती हैं पारवुस आफंदी को रिहा कर दिया जाए फौरी तौर पर, वरना। खामोश! कभी भी हमारे सामने हमें धमकी देने की जुर्रत भी मत करना। तुम जो सबसे बड़ी धमकी हमें दे सकते हो वो मौत की है। हम तो वैसे भी शहादत के मुतमन्नी रहते हैं, हम पर तुम्हारी कोई धमकी कारगर साबित नहीं होगी। चले जाओ। आप अपनी मौत से नहीं डरते, लेकिन अपने प्यारों की मौत से जरूर डरते हैं, क्योंकि आप रहम दिल हैं और ये हम जानते हैं। हमने कहा चले जाओ। खुशामदीद शहजादी, आइए अंदर चलिए। हम जल्दी में हैं, सोचा जाने से पहले नन्ही खदीजा से भी मिलते जाएं, इसलिए बस यहाँ आ गए। खूबसूरत लिबास सिलवाइएगा इनके लिए, हमारी तरफ से तोहफा है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया शहजादी, अल्लाह राजी हो। अम्मी, मेरे लिए भी ऐसा ही लिबास बनाइएगा, उसके बाद मैं भी इनकी तरह दिखूंगी। बहुत शुक्रिया शहजादी, अल्लाह आपसे राजी हो और अल्लाह आपको हर परेशानी से महफूज रखे। शुक्रिया। ओह, हमारी शहजादी भी मौजूद है यहाँ, किस्मत ने हमें दोबारा मिलवा दिया। क्या चाहते हो तुम? शहजादी से कुछ नहीं चाहिए हमें, हम तो यहाँ अपना कर्ज वापस लेने आए हैं। हमारे पास जो कुछ था हमने दे दिया, अब कुछ नहीं है हमारे पास, अब क्या चाहते हो तुम लोग? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये कहाँ से खरीदा, बहुत कीमती लगता है। छोड़ो इसे, ये हमने दिया है इन्हें। हमारी शहजादी सबके साथ बहुत मेहरबान है, छोड़ दो इसे। लेकिन ये मत समझना कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, हम फिर आएंगे और तुमसे सूद भी वसूल करेंगे, इंतजार करना। अतराफ में मौजूद पाशा हजरात और तमाम दोस्त अपने हाथों से आपको दुश्मनों के हवाले करेंगे। हमारा मुतालबा है कि उसे फौरन रिहा किया जाए, बसूरत दिगर रेलवे में आपके साथ हमारी शराकत दारी अभी और इसी वक्त से मनसूख समझी जाएगी हमेशा के लिए। मुझसे शादी करेंगी हसन? थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन मैं आपसे शादी करूंगी। मुराद, मैं नहीं रह सकती इस दुनिया में, जिससे मैं मोहब्बत करती थी उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं आपके पास आ रही हूँ।